our discussion was about external and internal exchange of gases, that is internal respiration and external respiration. With the help of a very important diagram, we discussed how exactly oxygen from lungs or alveoli enter into the deoxygenated blood and how exactly the oxygen from oxygenated blood enters into the tissue or cells. Similarly, how exactly carbon dioxide from deoxygenated blood enters into alveoli and how the carbon dioxide from tissues enter into the blood at the level of tissues, right? Whole thing, that is exchange of oxygen as well as exchange of carbon dioxide, is completely dependent upon differences in the partial pressure of those respective gases. ठीक है ना, कि जो oxygen का movement हो या फिर carbon dioxide का movement हो, दोनों ही movements या दोनों ही exchanges किस पे dependent है? Difference in partial pressure. मतलब एक example के तौर पे हम फिर से recall करें तो alveoli से ब्लड में ऑक्सीजन क्यों मूव होता है? क्योंकि अल्वेओलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या PO2 जो है वो लगभग है 100 mm of Hg और ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mm of Hg. यू कैन रेफर द डायग्राम. तो फिर 100 mm of Hg डिफ्यूजन प्रेशर या पार्शियल प्रेशर के एरिया से, मतलब अल्वेओलाई से 40 mm of Hg पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन एंटर होगा. तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज, या फिर हम बोले इसको मूवमेंट. किस वजह से हुई? डिफरेंस इन अ पार्शियल प्रेशर. किसके थ्रू हुई? तो वो हुई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू, जो हम उससे पहले पढ़ चुके हैं. नाउ इसके बाद क्या होता है? मतलब हमने एक्सचेंज तो पढ़ लिया, मतलब हमने ये पढ़ा कि अल्वेओलर कैविटीज से या अल्वेओलाय से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में कैसे आता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर. अब वो जो ऑक्सीजन ब्लड में आया या वो जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से ब्लड में आया, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? क्योंकि हमने कहा है कि द ऑक्सीजन दैट एंटर्स फ्रॉम अल्वेओलाय इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड towards tissues or towards cells. So how exactly the blood transports oxygen and how exactly the blood transports carbon dioxide, that we need to see, and we need to see all the related details about that. Hence, because of that, our next topic is transport of oxygen. ठीक से फिर से एक बार समझो कि हमने इससे पहले जो पढ़ा वो था एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अल्वेओलाय से ऑक्सीजन कहां आया है? ब्लड में. ठीक है, ऑक्सीजन इज एंटरिंग फ्रॉम अल्वेओलाय इन टू द ब्लड. बट वेन इट एंटर्स द ब्लड, जब ये ऑक्सीजन ब्लड में आता है, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजन कहां लेकर जाना है? डिफरेंट टाइप के टिश्यूज में जहां इस ऑक्सीजन की जरूरत है. तो हम पहले से जानते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू कैरी द गैसेस टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन. फॉर दिस पर्पस, दैट इज ऑक्सीजन, द डेस्टिनेशन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द ऑक्सीजन शुड बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड that is taken from air or alveoli. So how exactly this blood transports this oxygen, that is our topic, that is transport of oxygen. Is it okay? So further, if you see, blood mein enter hone wala jo oxygen hai, theek hai na, wo do roopon mein transport hota hai, that is we can see, say oxygen is
transported by blood in two forms or by two ways. First, in dissolved form, okay, and second is in association with hemoglobin. As you know, within RBCs, ठीक से समझो कि alveoli से ब्लड में एंटर होने वाला जो ऑक्सीजन है वो ब्लड द्वारा दो तरीकों से मतलब दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. पहला है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म और दूसरा है इन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन दैट लाइज विद इन आरबीसीज. तो अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको 100% माने, ठीक है ना, जितना भी ऑक्सीजन ब्लड द्वारा पर यूनिट टाइम ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे अगर हम टोटल 100% माने तो लगभग ऑन एन एवरेज 3% ऑक्सीजन जो है आउट ऑफ द 100% 3% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज अ dissolved oxygen. ठीक, what do you mean by dissolved oxygen? As the name suggests, dissolved oxygen is the oxygen that is present in dissolved form within ब्लड प्लाज्मा. हम ब्लड प्लाज्मा का मतलब जानते हैं. ब्लड प्लाज्मा का मतलब होता है द नॉन सेलुलर फ्लूइड दैट लाइज इन ब्लड. ब्लड का जो नॉन सेलुलर पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. तो देखो, जो ऑक्सीजन अल्वेओलाई से ब्लड में एंटर होता है, राइट, वो ऑक्सीजन 3% मतलब 100% अगर टोटल को माना जाए तो 3% ऑक्सीजन लगभग कहां डिसॉल्व हो जाता है, ब्लड के प्लाज्मा में. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड अराउंड 3% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ और इन द डिसॉल्व फॉर्म विद इन ब्लड प्लाज्मा, राइट. एंड फिर 3% गया तो बचा कितना, नो डाउट 97%. तो आउट ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज और इन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन. वी बेटर नो अबाउट हीमोग्लोबिन कि हीमोग्लोबिन क्या है. इट्स अ काइंड ऑफ क्रोमोप्रोटीन और कलर्ड प्रोटीन, राइट, which is responsible for carrying oxygen and it lies within specialized cells of the blood called RBCs. RBCs के अंदर बहुत मात्रा में एक सिंगल प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसको हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है. तो एक प्रोटीन ग्लोबिन जिसके साथ हीम H-E-M-E हीम नाम का नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अटैच्ड है, राइट, और इसीलिए ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसको हम बायोमोलेक्यूल्स में भी पढ़ चुके हैं और सर्कुलेशन में भी पढ़ चुके हैं. तो ये जो ब्लड या आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है इसके साथ एसोसिएट होकर बचा हुआ 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो यहां पे दो चीजें आप समझो, बेसिक दो चीजें कि एज फार एज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वाया ब्लड इज कंसर्न अबाउट 3% ऑफ द ऑक्सीजन
is transported in the dissolved form within blood plasma, and remaining 97% of the oxygen is transported by association with hemoglobin that lies within RBCs of the blood. Is it okay? Now, there is no further discussion involved in this. ये सीधी सीधी बात है कि 3% ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में होता है प्लाज्मा के अंदर, बट हियर इज द डिटेलिंग इन्वॉल्व्ड कि हाउ एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन गेट्स एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड वाया हीमोग्लोबिन इन अ ब्लड. इज इट ओके? बट फर्स्ट यू गेट दीज टू थिंग्स वेरी क्लियर, 3% एंड 97% रेस्पेक्टिवली blood plasma. And so till now what we said was ki 3% of the oxygen is transported in dissolved form and 97% of the oxygen is transported in association with hemoglobin. So what is hemoglobin? हीमोग्लोबिन क्या है? तो हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक क्रोमोप्रोटीन या कलर प्रोटीन है, या फिर हम इसको कहें मेटालोप्रोटीन है, एज इट हैज अ सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉर्म ऑफ आयरन, राइट? सो इसको हम दो हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो हीमोग्लोबिन इज डिवाइडेड एज हीम एंड ग्लोबिन, राइट? वेयर हीम इज अ नॉन प्रोटीन आयरन कंटेनिंग पार्ट हैविंग फोर आयरन एटम्स. एक सिंगल हीम में कितने आयरन पार्टिकल्स होते हैं? चार, राइट? और ये हीम जो है ये एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, जबकि ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट. क्लियर? नाउ वन हीमोग्लोबिन इज केपेबल ऑफ एसोसिएटिंग विथ फोर ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स. ये हिसाब याद रखना कि जो एक हीमोग्लोबिन होता है उसके पास चार आयरन एटम्स है एंड वन आयरन एटम इज केपेबल ऑफ एसोसिएटिंग विथ वन हीमोग्लोबिन. एक आयरन एटम केपेबल होता है एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ एसोसिएट होने के लिए, और क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में चार आयरन एटम्स है तो हर एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो सकता है. दिस इज अ कैलकुलेशन यू शुड नो. और डायरेक्ट क्वेश्चन इज दिस कि हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन बी कैरीड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. सो आंसर शुड बी फोर. द लॉजिक बिहाइंड इट इज वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंटरैक्ट्स विद वन आयरन एंड देयर आर फोर आयरन एटम्स पर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. इज इट ओके? एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात करें मेल की, तो लगभग 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में. एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन की बात करें तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उसके 100 ml ब्लड में पाया जाता है. ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि नो डाउट डेविएट कर सकती है इन बिटवीन 12 to 16, 12 से 16 मेल्स के लिए. फीमेल्स के लिए थोड़ा कम हम कह सकते हैं 10 to 14. ये जो 10 टू 14 या 12 टू 16 रेंज है ये क्या है? ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड. 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज अ स्टैंडर्ड केस वैल्यू. और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन
लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ठीक है ना। जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड हो, ठीक है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग कितने ml ऑक्सीजन गैस को कैरी कर सकता है? 1.34 ml of oxygen can be carried by 1 gram of hemoglobin. And on an average, how many grams of hemoglobin is present per 100 ml of blood? So 15 gram. So if you multiply it, 15 into 1.34, so it's approximately 20 ml. To be specific, it may vary, but approximately it is 20 ml of oxygen that can be carried by 100 ml of blood. Get this calculation correct. What we are saying first is, one molecule of hemoglobin is capable of carrying 4 molecules of oxygen, right? Because of the presence of 4 iron atoms. Now, when calculated, an adult healthy person shows the presence of about 15 grams of hemoglobin in his or her 100 ml of blood. Now, 1 gram of this hemoglobin is capable of carrying around, maximally around 1.34 ml of oxygen. And by this calculation, if you multiply, then 15 grams of hemoglobin can carry about 20 ml of oxygen. So 15 gram is present in 100 ml. Therefore you are saying ki about 20 ml of oxygen can be carried by 100 ml of blood. Is it okay? That's what we were saying about this. And how exactly you can show the reaction between oxygen and hemoglobin? Hb plus O2 gives HbO2, where terminologies are like, this is hemoglobin and this is oxygen. So when they combine, it forms oxyhemoglobin. So 97% of the oxygen in blood is in the form of oxyhemoglobin and 3% is in a dissolved form. Do you think this is an irreversible interaction? So no. Agar ye irreversible hoti, to ek baar oxygen ke saath hemoglobin ke saath oxygen combine ho gaya aur oxyhemoglobin ban gaya, to wo oxygen jab tissue ko dene ki baat aayegi ya tissues mein jab ye oxygen release karna hoga, to wo kaise ho payega? Nahi ho payega. इसीलिए ये जो इंटरेक्शन है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, ये परमानेंट नहीं है, ये है रिवर्सिबल। मतलब जब ऑक्सीजन रिलीज करना होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा या ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाएगा एंड ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड व्हेरेवर इट नीड्स टू बी रिलीज्ड, पर्टिकुलरली इन टिश्यूज, ठीक है ना। तो ये एक रिवर्सिबल रिलेशनशिप है जिसको हम आगे भी डिटेल में और डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड, दैट्स व्हाट यू से 15% बिकॉज़ इट्स 15 ग्राम्स इन 100 ml. And how, if you go by this calculation, then 100 ml of blood can carry maximally how much amount of oxygen in ml, and what is the name of an interaction between hemoglobin and oxygen, that is what you call oxyhemoglobin, where about 97% of the oxygen lies in oxyhemoglobin form. तो ये इंटरेक्शन होती है लंग्स में, आप देखो तो, क्योंकि ऑक्सीजन इज गेटिंग कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन टिश्यू, मतलब इस तरफ से इस तरफ जाओ तो लंग्स और इस तरफ से इस तरफ टिश्यूज, टिश्यूज में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होता है और
और लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है या एसोसिएट होता है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. इज इट ओके? सो दिस इज इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक.